राहुल गांधी के जन्मदिन पर बांटे मास्क। कांग्रेस के सीनियर नेता पंकज डोगरा ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर नगरी के लखनोट गांव में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर और जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया। वहीं उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए कहा, मास्क जरूर पहने, हाथों के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। नवभारत समाचार कठुआ से प्रभास कुमार के साथ सनी शर्मा की रिपोर्ट। आप सबको बताइए, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल जी का जन्मदिवस है और राहुल जी ने अपने जन्मदिवस के लिए एक निर्णय लिया था कि मेरा जन्मदिवस, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के वैसे तो बड़ा धूमधाम से ऊपर जन्मदिवस मनाते हैं, इस बार उन्होंने कहा था कि गांव में जाकर, यहाँ पर बस्तियाँ हैं, यहाँ पर कोविड का प्रकोप है, वहाँ पर आप आके ये सारा कीजिए और लोगों को राशन, मास्क, सैनिटाइज़र और लोगों को प्रेरित कीजिए कि वैक्सीनेशन करवाएँ, मास्क के लिए उनको आमंत्रित करें, या आप दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर के लिए जो कुछ हो सकता है। और हम इसी के चलते आज लखनऊट में हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे सेक्रेटरी हैं ब्लॉक के सुभाष चंद्र जी, इनके नेतृत्व में हमारे साथ सरपंच है अपना सैन साहब, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था और पूरे गाँव के लोग आए थे, उनको एक किस्म से प्रशिक्षित भी किया गया और उनको आह्वान किया गया कि कोरोना की अभी तीसरी लहर भी आने आया कि, जैसे कि सबको पता है इस समय जैसे दूसरी लहर पे सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, हमें तीसरी लहर पे भी उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सचेत रहना है। हम जितने भी कांग्रेस के वॉलंटियर्स हैं, हम सब लोग निकले हुए हैं गाँव गाँव में लोगों को प्रेरित करने के लिए कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए क्या किया जाए, और दूसरी तरफ से हम सरकार को आह्वान करते हैं कि जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में 30-30 किलो राशन मिलता था, आजकल जो 5-5 किलो बांट के लिए अपनी छुट्टी करवा रहे हैं, तो कम से कम 30-30 किलो की स्केल की जाए, क्योंकि हमारे देहातों में कोई कामकाज नहीं है। और दूसरी तरफ से ऐप ने एक रिवाज सा बना लिया कि जब भी चुनाव आते हैं, कोई लोकसभा का आता है, कोई DDC का आता है, या कोई और पंचायत का चुनाव आता है, 2-2 हज़ार रुपया सब लोगों के खाते में डाल देते हैं। हम कहते हैं कि इस समय प्रकोप है, इस समय महामारी है, इस समय कम से कम 10-10 हज़ार रुपया जो किसानों, मजदूरों, गरीब तबके के लोगों को डाला जाए। और जिस ब्लॉक में हम नगरी में आए हुए हैं, यहाँ हमने पिछले दिनों भी आंदोलन खड़ा किया था हमारे साथियों ने कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा कोविड के दौरान वहाँ के डॉक्टर साहिबान ने या पैरामेडिकल स्टाफ ने वहाँ पे अपना काम किया, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ कभी नहीं, बाकी सभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन प्लांट है। तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लिए जाएँ और भारतीय जनता पार्टी की नौमिली जग जाहिर हो चुकी है, वो तो मात्र उनके जो प्रदेश अध्यक्ष या बाकी टीम, वहीं उन्होंने जो 5-स्टार जो ऑफिस बनाया है वहीं से बैठते हैं और वहीं से चले जाते हैं, लेकिन हम सब लोग गांव गांव में जो हमारे पार्टी अध्यक्ष जी ए मीर साहब का निर्देश है और हमारे बाकी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है, जितना हम सब लोगों से हो सकता है, हमारी टीम से हो सकता है, हम सब लोग जाके वो अपना जो एक हमारा समर्पित कार्यक्रम है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, हम उसका निर्वाह